एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए ट्रैवल ब्लॉग में। यस, मैं गोरखपुर जा रहा हूँ। आपको अब तो टाइटल से पता चल गया होगा, मैंने कल शाम में एक पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने बोला था गैस करो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। बहुत सारे भाई लोगों ने गैस कर लिया था कि मैं लखनऊ गोरखपुर जा रहा हूँ। यस, मैं वही जा रहा हूँ। आज है 2 अक्टूबर, सुबह के बज रहे हैं 6:10। मैं निकल गया था 5:05 के अराउंड, 4 बजे उठा था। 3 दिन की ये ट्रिप रहने वाली है, 3 या 4 दिन की। आज मैं जाऊंगा डायरेक्ट गोरखपुर। अभी मैं यमुना एक्सप्रेस वे के ऊपर आ गया हूँ। आगरा चलेंगे, वहाँ पे CNG भरवाएंगे आगरा के अंदर जाके, फिर वहाँ से पकड़ेंगे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, फिर लखनऊ से लखनऊ रिंग रोड पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, फिर वहाँ से अयोध्या होते हुए गोरखपुर। ये मेरा आज का प्लान होने वाला है। और कल मैं कवर करूँगा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे और गोरखपुर बाईपास। और अगर आज मैं टाइम से पहुंच गया गोरखपुर, तो गोरखपुर में एक फ्लाईओवर बन रहा है 6 लेन का, ट्रांसपोर्ट नगर के अराउंड, उसको भी कवर करना है। पहुंच जाऊंगा शायद टाइम से, मैं देखते हैं। बाकी तो ये रहने वाला है, तो चलो बढ़ते हैं फिर आगे की तरफ। पहले टोल प्लाजा पे पहुंच गया हूं। आगरा तक मैं क्रॉस करूंगा 4 टोल प्लाजा, 3 होंगे यमुना एक्सप्रेसवे के और एक होगा आगरा इनर रिंग रोड का। आगरा पहुंच गया हूं CNG स्टेशन पे। टाइम की बात करूं तो 8:13 हो चुकी है। ज्यादा भीड़ नहीं है, बस मेरे आगे 2 गाड़ियां, जल्दी से भर जाएगी, फिर हम कनेक्ट होंगे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे में। 8:37 और ये मैं आ गया आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के ऊपर। अब अगले 301 किलोमीटर मेरे को इसी के ऊपर रहना है। ETA मेरा आ रहा है 12 बजे का। मैं अभी एक बार और CNG भरवाऊंगा, जो लास्ट रेस्ट एंड सर्विस एरिया आएगा, मतलब 225 किलोमीटर के अराउंड उस पे। अभी वापस से CNG भरवाई है। मैं हूँ राइट नाउ, एक मिनट सीट बेल्ट पहनने तो पहले, आगरा की तरफ जो लास्ट, मतलब आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे 2 रेस्ट एंड सर्विस एरिया आते हैं। पहला आता है 100 के अराउंड, उसके बाद आता है 125 के, मतलब 225, मतलब जो दूसरे वाला रेस्ट एंड सर्विस एरिया है वहाँ पर CNG स्टेशन है। तो वहाँ से मैंने अब CNG भरवा लिया। अब मैं भरवाऊंगा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के ऊपर जाके। चलो जी जल्दी से निकलते हैं, बोर हो रखा हूँ बुरी तरीके से आज। तो जो रेस्ट एंड सर्विस एरिया आता है वो आता है 217 के अराउंड, क्योंकि अभी मैं 219 क्रॉस कर रहा हूँ। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे की हवाई पट्टी के ऊपर आ गया हूँ। यहाँ से बस थोड़ा सा ही आगे की तरफ जाने के बाद में आ जाती है गंगा एक्सप्रेसवे की क्रॉसिंग। फाइनली पहुंच गया उस पॉइंट पे जहां पर गंगा एक्सप्रेसवे क्रॉस कर रहा है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को। अभी यहां पर बहुत काम बाकी है जितना मेरे को इस एंगल से लग रहा है। यहां पर मैं ड्रोन तो फ्लाई करने वाला नहीं हूं। बाकी पियर्स की बात करूं तो मेरठ वाली साइड में रेडी हो चुके हैं बीच में, और क्रॉस करने के बाद में अभी पियर्स रेडी होने, और दूसरी वाली साइड में तो अर्थवर्क की काफ़ी कम प्रोग्रेस है अभी। चलो यहाँ की तो गंगा एक्सप्रेसवे की वीडियो आएगी अब अगले साल में, क्योंकि इस साल गंगा एक्सप्रेसवे की बस एक वीडियो और आएगी गंगा रिवर तक। मैं इस एक्सप्रेसवे के ऑलमोस्ट दूसरे एंड पे पहुंच गया हूँ। 1 किलोमीटर में आ जाएगा टोल प्लाजा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ, इस एक्सप्रेसवे को ना और अच्छे से एक्सेस कंट्रोल्ड कर दिया है, ताकि अब एनिमल्स इसके ऊपर ना आए, जिसके कारण यहाँ पे जो एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते थे वो अब काफ़ी हद तक रुक गए एनिमल्स के कारण। क्योंकि पीछे की साइड में वहाँ पे तो फेंसिंग थी, लेकिन ये आप देख रहे हो ये दोनों साइड में हो गया, और ये पूरे एक्सप्रेसवे के ऊपर है, सेम मीडियन के ऊपर भी है और वो दूसरी साइड में भी है, और उसके बाद में पहले जो फेंसिंग हुई थी वो पहले की है ही। UPDA ने अच्छा काम किया है, इस एक्सप्रेसवे को और अच्छे से एक्सेस कंट्रोल्ड बना दिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, टोल प्लाजा क्रॉस करने के बाद में देता हूँ इसकी अपडेट, मतलब ये रोड कंडीशन कैसी है इस एक्सप्रेसवे की। अभी कर दिया टोल प्लाजा एग्जिट। टोल प्लाजा क्रॉस करने में मेरे को थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि सिस्टम ने थोड़ा सा टाइम लिया,
और जैसे ही आप टोल प्लाजा क्रॉस करके आगे की तरफ आओगे, आपको मैक्सिमम टाइम पे काफी ट्रक्स खड़े हुए मिलेंगे यहाँ पर। और अब आपको बताता हूँ इस एक्सप्रेस वे की अभी की रोड कंडीशन कैसी है। टोल शायद 650 रुपये का है, तो कंडीशन ऐसी है कि 600 रुपये का टोल होना चाहिए, क्योंकि तो थोड़े से पैचेस खराब थे, ज्यादा नहीं थोड़े से पैचेस खराब थे, लेकिन आपकी गाड़ी 100 पे चल रही होती है और एकदम से ना आपको दिखता है गड्ढा आने वाला, और दो तीन आते हैं कंटिन्यूअस। अब आप डिसाइड करते हो कि किस में से निकालनी है, क्या करती है, उसमें आपका गाड़ी का बैलेंस बिगड़ सकता है, ज्यादा गहरे नहीं आते हैं, बस एक क्लियर टूटी हुई है जिसके कारण आपको लगता है कि बहुत गहरा गड्ढा आ रहा है, और कहीं कहीं पे रटिंग हो रखी है, मतलब उबड़ खाबड़ हो रखी है, कहीं पे जो पेवमेंट है मतलब जो लेयर है वो दब गई है, कहीं पर उठी हुई है, उसको रटिंग बोलते हैं, वो हो रखी है। बाकी ओवरऑल कंडीशन काफी अच्छी है। और ये मैं पहुंच गया एक्सप्रेसवे के एंडिंग पॉइंट पर। अभी तक मैं जब भी लखनऊ आया हूँ हमेशा लेफ्ट से एग्जिट कर जाता था लखनऊ की तरफ, लेकिन आज मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ, ताकि मैं अभी जैसा मैंने बताया लखनऊ रिंग रोड में कनेक्ट हो सकूँ, क्योंकि एक्सप्रेसवे के साथ में डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है रिंग रोड की। लखनऊ रिंग रोड में कनेक्ट हो गया हूँ। जब मैंने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को एग्जिट किया था उस टाइम टाइम हो रहा था 12:20, और जब मैं आगरा से चला था तो ETA मेरा आ रहा था 12:07 का, मतलब मैं ज़्यादा लेट नहीं पहुँचा हूँ। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के ऊपर आ गया हूँ। अभी मैंने डिस्टेंस देखा कि मेरे को और कितना ट्रैवल करना है, तो 260 किलोमीटर मेरे को और अभी ट्रैवल करना है, जिसमें से 78 किलोमीटर मेरे को ट्रैवल करना है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के ऊपर ही, बाकी का फिर अयोध्या होते हुए। ETA कितने का आ रहा है अभी? 5:30 का ETA आ रहा है अभी, बस एक बार रुकना है CNG भरवाने के लिए, फिर नॉन स्टॉप गोरखपुर पहुँचूँगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के CNG स्टेशन पे पहुँच गया हूँ। पहले ही वेस्टर्न सर्विस एरिया में CNG स्टेशन मिल जाता है टोरेंट का यहाँ पर, लेकिन मैं यहाँ पर CNG नहीं भरवा रहा हूँ, क्योंकि दो पॉइंट तो अभी भी CNG है और मेरे को 78 रहना है। उसके बाद में अयोध्या से जब मैं गोरखपुर की तरफ बढ़ूँगा तो मुझे उम्मीद है कहीं ना कहीं तो मेरे को CNG मिल जाएगी। ये जी किलोमीटर 80 पे पहुंच गया हूँ, यानी एग्जिट का टाइम आ गया। मैं एग्जिट करूँगा पूर्वांचल से नेशनल हाईवे 330A, वहाँ से मैं बढ़ रहा हूँ अब अयोध्या की तरफ। इस NH पे नया डिजाइन का टोल प्लाजा भी बनाया गया, ले लो भाई टोल। रोड एक नंबर बनाई हुई है, टोल देने में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अयोध्या क्रॉस करके आगे की तरफ आ चुका हूँ गोरखपुर की तरफ। अब गोरखपुर का डिस्टेंस रह गया है 125 किलोमीटर के अराउंड। टाइम की बात करूं तो 3:05 हो चुकी है। अयोध्या सिटी में NH27 की कंडीशन को और अच्छा करने का काम किया जा रहा है, कुछ नए स्ट्रक्चर्स भी ऐड किए जा रहे हैं। CNG भरवा लिए, CNG स्टेशन मिल गया था, लेकिन CNG स्टेशन मिलने से पहले CNG खत्म हो चुकी थी। पेट्रोल पे गाड़ी चली है हार्डली 4-5 किलोमीटर। उसके बाद में पहला CNG स्टेशन आया तो उस पर CNG थी नहीं, थोड़ा आगे इतना पड़ा तो दूसरा CNG स्टेशन आ गया, मस्त रिफिल करवा लिया। अब कल मॉर्निंग में ही वापस से रिफिल करवाऊंगा। ओके गाइस, शाम के बज चुके हैं 5:03, मैं पहुंच गया हूं गोरखपुर। मेरे को नहीं याद मैंने लास्ट क्लिप में क्या दिखाया, बस मुझे इतना पता है कि अयोध्या से निकलने के बाद में रोड की कंडीशन, मतलब अयोध्या बस्ती खलीलाबाद गोरखपुर जो रोड है उसकी कंडीशन, जैसे मैंने बताया था कि बीच बीच में गड्ढे आ रहे हैं, तो गड्ढे काफी टाइम तक रहे, मतलब ऑलमोस्ट एक तरीके से आप ये मान लो गोरखपुर तक वो गड्ढे रहे हैं। तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, बस ड्राइविंग पे फोकस था कि गाड़ी किसी ज्यादा गहरे गड्ढे में ना चली जाए, उस चीज का मैंने ध्यान दिया। तब भी गाड़ी काफी गड्ढों में गई है, लेकिन ऐसा कोई गहरा गड्ढा नहीं था। अब NH27 28 दोनों के बोर्ड लग रहे थे। अब सिटी में धीरे धीरे एंटर करता चला जाऊंगा। शाम हो गई है, सोच रहा था आज फ्लाईओवर का काम हो जाएगा तो कल ये प्रोजेक्ट मैं कवर नहीं करूंगा, लेकिन अंधेरा हो जाएगा जब तक मैं और सिटी के अंदर पहुंचूंगा, मतलब उस लोकेशन के ऊपर पहुंचूंगा,
जहाँ से जहाँ मतलब फ्लाईओवर का काम चल रहा है। चलो कोई नहीं, कल अपना फ्रेश माइंड से एकदम शूट करेंगे। कल 3 प्रोजेक्ट कवर करने हैं, लंबा दिन होगा कल, क्योंकि तीनों प्रोजेक्ट कवर करने के बाद सीधे लखनऊ। ओके गाइस, रूम में पहुंच गया हूँ, मस्त नहा धो के फ्रेश हो गया हूँ। अब अपना डिनर ऑर्डर करूँगा, उसके बाद वहाँ पे मस्त बैठ के इस ब्लॉग की एडिटिंग करूँगा नहा के। अब मेरे को अच्छा लग रहा है, उस टाइम तो मेरे को नींद आ रही थी जब मैं गोरखपुर पहुँचा था, अब नहा के एनर्जी फील हो रही है, बस खाना खा के नींद ना आए मेरे को। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। होप वीडियो आपको ये अच्छी लगी होगी, मतलब व्लॉग। अभी तो प्रोजेक्ट्स की वीडियो पता नहीं कब आएंगे, 3-4 दिन लगेंगे अभी। आज तो मतलब 2 अक्टूबर को तो मैंने हर्ष विहार नंद नगरी वाला फ्लाईओवर जो है उसकी अपडेट डाल दी है। अब मेरे पास और कोई वीडियो नहीं बच रही है। अब कल सुबह मेरे को मतलब कल पूरे दिन में मेरे को 3 प्रोजेक्ट कवर करने हैं, उनके बारे में मैं अपनी अगली वीडियो में ही बताऊँगा, अगले ब्लॉग में। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। गुड नाइट।